जब भी राम जन्मभूमि की बात आती है तो दिल और दिमाग में सिर्फ दो नाम सामने आते हैं। पहले विवादित ढांचे की पैरवी करने वाले हाशिम अंसारी की और दूसरे राम जन्मभूमि के पक्षकार महंत भास्कर दास। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे बुजुर्ग पैरोकार मोहम्मद हाशिम अंसारी का निधन तो पिछले साल जुलाई में ही हो गया था, लेकिन अब राम जन्मभूमि के सबसे बड़े पक्षकार महंत भास्कर दास भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, हम उन्हीं महंत की बात कर रहे हैं जिन्हें राम चबूतरे का पुजारी नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, वे हनुमानगढ़ी के महंत भी रहे और साथ ही निर्मोही अखाड़े के उप सरपंच भी बनाए गए। पिछले काफी वक्त से महंत दास बीमार चल रहे थे, यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफ और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद उन्हें अयोध्या के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बीती रात 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि महंत दास का अंतिम संस्कार अयोध्या के तुलसी घाट में किया जाएगा। महंत दास ने राम जन्मभूमि की पैरवी करते हुए काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा और अभी तक राम जन्मभूमि का मुद्दा अदालत में लटका हुआ है। फिलहाल महंत दास के अंतिम दर्शन के लिए उनके शिष्यों और लोगों का तांता लगा हुआ है। भले इस मुद्दे से जुड़े बुजुर्ग पैरोकार नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के राज में राम जन्मभूमि पर जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।